नया साल आने वाला है। आज है 29th December, ये साल भी खत्म होने वाला है। बेटा शिनचैन, आज भी तुम ही को जाना होगा, तुम्हारे डैड की तबीयत खराब है। लेकिन आज बाहर कितनी ठंड है। तो ठीक है बेटा, तुम इसे पहन लो। तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो ना, इसे अच्छी तरह पहन लो, फिर सर्दी नहीं लगेगी, ठीक है? अब जाओ और ये सारी माचिस बाजार में बेच कर आओ। ओके। पता नहीं मेरी तबीयत कब ठीक होगी मिट्सी। शिनचैन बेटा, अगर आज तुमने सारी माचिस बेच दी तो शायद हम नया साल मना पाएंगे, तुम समझ रहे हो ना? शीरो, इस नेक काम में तुम मेरा साथ नहीं दोगे? नहीं, तुम अकेले जाओगे। क्या आपको माचिस चाहिए? ये बहुत ही सस्ती है सर, आपको माचिस चाहिए? माचिस ले लीजिए। माचिस ले लो, इससे आग जला लो। माचिस ले लो, इसकी एक तीली बहुत देर जलती है। ये माचिस बढ़िया है, तुम कहीं और जाकर माचिस बेचो, यहाँ नहीं, समझे तुम? अभी तो यहाँ से जा सकती है, मैं यहाँ पहले आई थी इसलिए ये जगह मेरी है। ये जगह आपकी नहीं है। बहस मत करो। मैं इसलिए माचिस बेच रहा हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड की तबीयत खराब है। मैंने तुम्हारी कहानी सुन ली, अब जाओ यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम कहीं और जाकर अपनी माचिस बेचो, ये मेरी जगह है, समझे? अच्छा तो अब ठीक है ना? अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं मान जाऊंगी तो तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा करते हैं, सुबह से शाम ये जगह आपकी और उसके बाद ही मेरी। शाम हो गई है तो अब ये जगह मेरी। बहुत बढ़िया, ये ठीक रहेगा। ये हम कल से करेंगे, आज से नहीं। वो देखो कोई आ रहा है। कहाँ कहाँ कहाँ, तुम किसकी बात कर रहे हो? अब ये कहाँ चला गया? क्या आपको माचिस खरीदनी है? हाँ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतनी ठंड में? मैं तो माचिस बेच रहा हूँ, और आप? मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, ये बात है। पर आप कब तक इंतजार करेंगी? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? आप एक बच्चे पर नाराज हो रही हैं। तुम यहाँ से जाओ। मैं आपके साथ इंतजार करूँगा। क्या तुम भी मेरे साथ इंतजार करोगे? ये लो, इसे पहन लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जब गर्मी आ जाएगी तो मैं इसे आपको वापस लौटा दूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। माचिस ले लो, ये हमेशा आपका साथ देगी, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में ये काम करेगी। क्या आप मुझसे माचिस खरीदेंगे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे, ये मफलर तुम्हें कहाँ से मिला, बताओगे मुझे? ये तो मुझे एक दीदी ने दिया जो वहाँ पर खड़ी है। क्या कहा, उधर खड़ी है? तुम्हारा शुक्रिया। माचिस ले लो, माचिस ले लो। मैं चलते चलते थक गया हूँ, अगर और कुछ बेच रहा होता तो अब तक बिक चुका होता। माचिस ले लो, ये बढ़िया माचिस है, ये माचिस ले लो। तुम्हें ये काम करने की जरूरत क्यों है, तुम तो बहुत छोटे हो अभी। आप कौन है? अरे अरे, डरने की जरूरत नहीं है, मैं फादर ऑफ चर्च हूँ बेटा। लगता है आप ही है वो अच्छे इंसान। बच्चों का मन कितना साफ होता है, तुम मुझे एक अच्छे बच्चे लगे हो। मैं इस वक्त चर्च जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो बेटा। मुझे जाना चाहिए या नहीं? क्या आप मुझे ले जाकर वहाँ काम करवाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ मुझे हरी सब्जियाँ तो नहीं खानी पड़ेंगी? नहीं बेटा, अगर वो बच्चा मुझे नहीं बताता कि तुम कहाँ हो तो हम नहीं मिल पाते। सही कहा आपने। मैं नहीं चल सकता, मुझे माचिस बेचनी है। आप समझ नहीं रहे, मुझे माचिस बेच कर घर जाना है। अरे पहले मेरे साथ चलो, कुछ खा तो लो। लेकिन मेरी मम डैड मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। पर मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता बेटा। हाँ जी भाई साहब, बताएंगे यहाँ क्या हो रहा है। आप इन्हें पकड़ लीजिए, ये इस बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहे थे। हाँ, मैंने भी देखा था। ये गलत है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, मेरा यकीन कीजिए। अब क्या हुआ? मैं तो इसकी मदद करना चाहता था बस। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।